पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल्स में ग्रेटर ब्रिटेन को हार थमाई है, जिसके बाद भारत ने सेमीफाइनल में जगह कंफर्म करते हुए अब बस एक और जीत की कसक छोड़ी है। एक जीत के बाद भारत का मेडल हो जाएगा कंफर्म। लेकिन इस मुकाबले की सारी कहानी आपको बताएंगे, कैसे 10 खिलाड़ियों के साथ पेनल्टी शूटआउट में जाकर भारत ने इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम पर किया है। सारी कहानी इस मुकाबले की आपको बताएंगे रिपब्लिक भारत की इस खास रिपोर्ट में। मुकाबले के 60 में से 44 मिनट तो भारत सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेला था, क्योंकि मुकाबले के 16वें मिनट में अमित रोहिदास को ग्रेट ब्रिटेन के एक खिलाड़ी विल केलन के साथ गेंद के लिए उलझने के चक्कर में रेड कार्ड थमा दिया गया था, जिसके चलते ऐसा माना गया था कि भारतीय डिफेंडर ने जानबूझकर अपनी स्टिक खतरनाक स्थिति में उठा ली, जिसके चलते भारत को 16वें मिनट में रेड कार्ड थमा दिया गया। लेकिन रोहिदास को रेड कार्ड मिलने के बाद 22वें मिनट में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए मैच का पहला गोल दागा और भारत को 1-0 की बढ़त दिलवा दी। लेकिन भारत के पास ये 1-0 की लीड ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि मुकाबले के 27वें मिनट में ग्रेटर ब्रिटेन के ली मॉर्टन ने एक और गोल कर दिया, जिसके चलते मुकाबले में 1-1 की बराबरी हो गई। इसके बाद मुकाबले के चौथे क्वार्टर तक ऐसा लग रहा था कि ग्रेटर ब्रिटेन का दबदबा भारत के ऊपर काफी ज्यादा है, क्योंकि ग्रेटर ब्रिटेन का अटैक इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, जिसके सामने भारत का डिफेंस जो कि एक खिलाड़ी शॉर्ट चल रहा था। इसके चलते ऐसा सोचा जा रहा था कि शायद ग्रेटर ब्रिटेन एक गोल और दाग सकता है, लेकिन भारत के डिफेंस ने ऐसा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया, भला वो जर्मनप्रीत की बात हो या फिर हार्दिक सिंह की बात हो या फिर आपके पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह की बात हो, भारत के पूरे डिफेंस ने और साथ ही में भारत के स्टार गोलकीपर पीआर श्रीजेश, जो कि अपना आखिरी ओलंपिक गेम्स खेल रहे हैं, उनकी स्टार डिफेंसिंग के चलते भारत ने चौथे क्वार्टर तक 1-1 की बराबरी ही रखी। लेकिन उसके बाद मुकाबला जब गया पेनल्टी शूटआउट में, ग्रेटर ब्रिटेन और भारत दोनों ने अपने पहले दो पेनल्टी स्ट्रोक्स को आसानी से गोल पोस्ट में दाग दिया। लेकिन उसके बाद ग्रेटर ब्रिटेन के खिलाड़ियों ने लगातार दो गोल शूटआउट्स मिस कर दिए, जिसके चलते भारत ने वहां से पकड़ बनाई और जीत अपने नाम पर अर्जित कर ली है भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में। इससे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारत ने ग्रेटर ब्रिटेन को नॉकआउट मुकाबले में हार थमाई थी और वहां से अपना आगे का सफर तय किया था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत जरूर सिर्फ ब्रोंज मेडल तक सीमित रह गया था, लेकिन इस बार भारतीय कोच और कप्तान दोनों का ऐसा मानना है कि भारत की टीम गोल्ड लेकर आएगी। अब से कुछ दिन पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि इस बार हमारा लक्ष्य और निगाहें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल पर रहने वाली हैं। आपको बताते चलिए भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कब होने वाला है। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला 6 अगस्त को 5:30 बजे खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में क्या भारत इस बार हॉकी से एक और मेडल ले आ पाएगा या नहीं, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में। तब तक देखते रहिए रिपब्लिक भारत।